अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे Shopify ऐप्स के अबाउट। तो बेसिकली Shopify ऐप्स क्या होती हैं और उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि Shopify ऐप्स एक्चुअल में हैं क्या। तो बेसिकली Shopify ऐप्स प्री बिल्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, छोटे सॉफ्टवेयर या एडोन्स कह सकते हैं, Shopify के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइंड हुई, जिनको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ या डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं Shopify स्टोर के लिए। लेट्स सपोज आपको अपना Shopify स्टोर Facebook के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए Shopify ऐप जो Facebook की है होगी वो रिक्वायर्ड होगी। सिमिलरली आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है, आपको ओबरलो चाहिए, ड्रॉप शिपिंग ऐप्स डिफरेंट अवेलेबल हैं, ओबरलो, डीजर, जो कि आपको ये फैसिलिटी देती हैं कि आप क्या कर सकते हो डिफरेंट जगहों से, जैसे अली एक्सप्रेस है, वहाँ से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट डायरेक्टली अपने Shopify स्टोर के अंदर कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोई मार्केटिंग करना चाह रहे हैं अपने स्टोर की, तो आप अपने स्टोर को स्नैपचैट, गूगल या बाकी चीज़ों से कनेक्ट किस तरह से कर सकते हैं Shopify ऐप्स की मदद से। आप अपने स्टोर के ऊपर लाइव चैट का ऑप्शन लगाना चाह रहे हैं, आपने अक्सर स्टोर के अंदर बॉटम राइट कॉर्नर या लेफ्ट कॉर्नर पर देखा होगा कि लाइव चैट का या सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, तो लाइव चैट भी आप डिफरेंट ऐप्स से लगा सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट काम जो है वो ऐप्स हमारी मदद करती हैं, बजाय इसके कि हमें खुद इटसेल्फ वो कोड करना पड़े वो कंप्लीट फंक्शनैलिटी। तो ऐप्स प्री बिल्ट होते हैं, जिसमें हमें इंस्टॉल करना होता है और उनकी सेटिंग करनी होती है अपनी मर्जी के मुताबिक, जिस तरह से भी हम वो टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। तो ये होती हैं बेसिकली Shopify ऐप्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे किस तरह से Shopify ऐप्स को एक्सेस करते हैं और किस तरह से हम जो है Shopify ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं अपने Shopify स्टोर के अंदर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।